नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल टेक इन्फोटेनर में। दोस्तों आज हम बीआर चोपड़ा की महाभारत में दुर्योधन का रोल करने वाले एक्टर पुनीत इस्सर की शॉर्ट बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुनीत इस्सर एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक है जो कि मुख्यतः 90 के दशक में हिंदी सिनेमा में सक्रिय थे। पुनीत शो महाभारत में दुर्योधन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं। पुनीत का निजी जीवन। पुनीत का जन्म 12 दिसंबर 1958 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। पुनीत के पिता सुदेश इस्सर हैं जो कि हिंदी सिनेमा में फिल्म निर्देशक रह चुके हैं। पुनीत की शादी दीपाली से हुई है। करियर। पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म कुली से की थी जिसमें उन्हें विलेन की भूमिका निभाई थी। पुनीत बताते हैं एक किस्सा कि फिल्म कुली की शूटिंग करते दौरान वो विलेन का रोल कर रहे थे और उस दौरान अमिताभ बच्चन को एक चोट आ गई थी और जिस घटना को वो अभी तक नहीं भूल पाए और वो फिर अमिताभ बच्चन ने उन्हें बोला कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो बस मुझे पता है कि आपने जानबूझकर नहीं मारा है। वो उस घटना को वो अभी भी नहीं भूल पाए। पुनीत ने अपने फिल्मी एक्टिंग करियर में तकरीबन 150 से ज़्यादा फिल्मों में विलेन की भूमिका निभा चुके हैं। बेहतरीन फिल्मों में अभिनय करने के अलावा पुनीत ने बहुत कुछ बेहद ही शानदार फिल्मों का निर्देशन किया है जिसमें गर्व, प्राइड एंड ऑनर, पुराना मंदिर आदि जैसी फिल्में शामिल है। पुनीत बताते हैं कि महाभारत ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया और महाभारत के बाद उन्हें कई फिल्मों में मुख्य खलनायक की भूमिका वाले रोल मिलने लगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।